ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक, नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सबसे मजेदार क्वेश्चन पूरे पेपर का। अगर मैं सच्ची बोल दूँ कि जिस क्वेश्चन पे दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था इन द सेंस कि जिसमें कुछ करने लायक था, बाकी क्वेश्चन तो फिर भी हो जाते, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बच्चों को, ठीक है। तो ये है आपके पास इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है, टेन का दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू वन और सेक बी प्लस सी माइनस इज इक्वल टू टू, आपको ए बी और सी फाइंड करने तीनों के तीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए आपको कराया जा रहा है ताकि अगर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कभी कभी आपके सामने टकराए तो आप उसको बर्बाद कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले यही काम करेंगे तो उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, जब हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टेन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू वन, सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है इक्वेशन वन से, ठीक है। टेन ए प्लस बी माइनस सी, सवाल आता है वन कितने में होता है टेन में, टेन में अगर आपने टेबल आपके दिमाग में है पूरी की पूरी छपी हुई तो आप सीरियसली सीधे सीधे बता देंगे वन कितने में होता है, टेन 45 में होता है, ठीक है। फिर आप कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी माइनस सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, या आपकी थर्ड इक्वेशन, या आपकी थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली आप उठाएंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे जो आपको दिख रही है सेट बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू टू, कितने में होता है, तो बिल्कुल सही बात जैसे मैं सुन पा रहा हूँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये होता है सेक कितने में 60 में, ठीक है। तो बी प्लस सी माइनस ए कितना आ गया 60 डिग्री, कंपेयर करने पे ऑन कंपेयर, जब आपने कंपेयर करा होगा दोनों तो सेक सेक है, ठीक है, इधर भी सेक तो एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल, तो बी प्लस सी माइनस ए आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये आ गई आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, ये ऊपर थर्ड और ये वाली फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत छोटी सी चीज़ है, जब भी तीन वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो तीन, तो जितनी इक्वेशन बन जाती है उनको ऐड कर दीजिएगा, हमेशा याद रखिए तीन वेरिएबल है ए प्लस बी माइनस सी, तो इसमें ये तरीका बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इक्वेशन सबको ऐड कर दो, क्यों कर दो, फायदा होता है, देखिए कैसे, एडिंग वन एंड टू सॉरी थ्री एंड फोर सॉरी माय मिस्टेक थर्ड और फोर्थ को ऐड, चलो करते हैं। तो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट के साथ ऐड होती है, तो ए प्लस बी माइनस सी लेफ्ट में ये थर्ड के राइट के लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट में है बी प्लस सी माइनस, उधर है 45 प्लस 60 डिग्री, चलो ए प्लस बी माइनस सी आ गया, यहाँ आपका ए प्लस बी माइनस सी, चलिए आगे देखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा बी प्लस सी माइनस सी, ऐड कर लेते हैं 45 प्लस 60 105 होता है। चलिए देखिए ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, बचा खाली बी प्लस बी, बी प्लस बी कितना होता है 2b हो जाएगा, कितना होता है 2b इज इक्वल टू 105, तो b आया आपका 105/2, ठीक है। अब इसका आप सॉल्व करिए तो b कितना आएगा आपका 57.5, अच्छा आएगा आपका 52.5 डिग्री, ठीक है, यह आएगा आपका ऐसा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते, ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बी इज इक्वल टू 105.2 डिग्री, ठीक है, ये आपका आया कितना 105.2 डिग्री। देख के तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, पहले कंपेयर तो आप सीख ही चुके हैं, ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन करा ही था कंपेयर वाला, उसके बाद आपने क्या करना है, बस जब भी तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन आए तो आपको उन इक्वेशन को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ये मैं बता चुका हूँ, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन आएगी उसका बस उसको बस आपको ऐड करना है, जैसे आप ऐड करेंगे आपका आंसर आपके सामने आता रहेगा। ये आ गया आपका बी, क्या आ गया आपका बी आया कितना 105.2 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आगे देखेंगे, थोड़ा सा और बचा क्योंकि अभी आपको ए भी निकालना है और सी भी निकालना है, ठीक है, अभी तो आपको खाली बी आया, क्या आया बी, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन थी पहली एक थी ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, और साथ में दूसरी थी बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60, ये आपके सामने बनी नहीं थी, ठीक है, ठीक। बी की वैल्यू 105.2 दोनों में रखेंगे, हम लोग करेंगे क्या, बी की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, देखिए कितने स्मार्टली पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग पुट बी इज इक्वल टू 105.2 डिग्री करते हैं पुट, चलिए
तो ए प्लस 105.2 माइनस सी इज इक्वल टू 45। ठीक, तो ए माइनस सी ये उधर भेज देंगे, 45 माइनस 105.2। ठीक, ये आ गया आपका ए माइनस सी, यानी ए माइनस सी अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा ऊपर 90 माइनस 105/2, तो ए माइनस सी आ गया आपका, माइनस करना सबको आता है, -15/2। ठीक है, ये फिफ्थ इक्वेशन। और सिमिलरली बी की जगह अगर आप पहले डालेंगे 105.2 प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सी माइनस ए आ गया आपका 60, ऐसी 105/2 प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, सी माइनस से आपका आ गया एलसीएम लीजिए 2, ऊपर 62 = 120 माइनस 105, तो सी माइनस से आ गया आपका कितना 15/2 डिग्री। ठीक है, ये आपकी सिक्स इक्वेशन। अभी आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, एलिमिनेशन से करिए, जिससे आपको मालूम होता है आप उससे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर कुछ इस प्रकार के आएंगे। ए आएगा आपका 60 डिग्री, सॉल्व आप घर में आराम से कर लीजिएगा, ए आएगा आपका 60 डिग्री, 60 वाला, सी आएगा आपका 67.5 डिग्री, ठीक है, या फिर 67.5 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 135/2 भी बोल सकते हैं ना डिग्री, और बी तो भी आपको निकाल के दिखाया था 105/2 डिग्री, बस आपको इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएंगे तीनों के तीनों, ए बी और सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। गलती से बोल दिया, सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। ठीक है, अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, आपके पास है 2 sin x/2 = 1, 2 sin x/2 = 1। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। बोलेगा इफ 2 sin x/2 = 1 फाइंड x, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आएगा। सबसे आपको करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, शायद आपने बचपन से पढ़ी होगी, 2x + 3 = 4 होता है। क्या करते थे, 3 को उधर भेजते थे, मतलब x को अकेला बनाते थे। किसको अकेला बनाते थे, x को। यहाँ भी सेम काम करना है, यहाँ भी x को अकेला बनाना है, बस कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले sin x/2 है, ठीक, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा सबसे पहले तो। ठीक, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में गया तो बन गया हाफ। ठीक, sin x/2 ऐसी, हाफ कितने में होता है साइन में, ये दोनों तभी कंपेयर होता है, अभी तक मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये दोनों कब कंपेरेबल होते हैं, जब यहाँ भी साइन होता है और यहाँ भी साइन होता है, तो यहाँ आपको लाना पड़ेगा हाफ कितने पे होता है, sin 30 पे होता है, हाफ होता है sin 30 पे। अब दोनों sin है तो एंगल भी बराबर होना चाहिए, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेरेबल यानी कंपेयर तभी करा जा सकता है जब दोनों तरफ सेम हो, मतलब यहाँ भी साइन हो और यहाँ भी साइन हो। जैसे यहाँ नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, या ना यहाँ कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरफ साइन नहीं था, पहले साइन लिखे है, क्या लिखा है, साइन में लिखे है, क्योंकि इस तरफ साइन था ना, तो बन जाएगा x/2 = 30 डिग्री, तो x आ जाएगा 30 डिवाइड में 2 जाके मल्टीप्लाई, 32 जा कितना होता है 60 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया x वैल्यू 60 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा कुछ टफ नहीं था, आप चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, बाकी तो आपकी खुद की मर्जी। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए बढ़ते फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD, एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABCD, जैसा भी फिगर में आपको दिखेगा थोड़ी देर में, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका डी पॉइंट। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसा माना ये, जिसकी AB = 20 cm, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सारी को, तो AB 20 ही होगी। ठीक है, उसने हमसे BC पूछा और साथ में एंगल BAC दे रहा था, एंगल BAC का है, BAC सी तो तभी बनेगा ना एंगल पूरा जब ये ज्वाइन होगा, ये आपको दे रखा है एंगल 60 डिग्री, ये 90 होता है, ये आपका 90 होता है, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर आपने पढ़ा हो सारे एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल सारे 90 के होते हैं, ये आपको 60 गिवन है। ठीक है, BC कितना है, BC निकालना है आपको, इस BC को निकालना है, किसको, BC, ये BC साइड है ना, BC को एक्स मान लेते हैं। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ा तो उनके लिए तो बहुत आसान है, वरना जिसने नहीं भी पढ़ा उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ट्रिग्नोमेट्री तो लग ही सकती है, क्या होती है, कौन से 10 60, क्यों लगाया 10, देखो
साफ सीधी बात, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने लिखा भी था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला था। तो मेरे को ये परपेंडिकुलर, जिस 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, कौन सा रिलेशन होता है? पी और बी में होता है। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, क्या बताया? ये आपके सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस, जो दो चीजें हैं दिख रही है फिगर में, वो एक ये है और ये, इनके बीच में रिलेशन, यानी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, ये तो हाइपोटेनस साथ है, यहाँ भी हाइपोटेनस, बचा कौन सा? ये परपेंडिकुलर और बेस में एक ही रिलेशन है, यानी टैन का, और थीटा का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है? सामने वाला बी सी, बेस कौन है? 20 ए बी, यानी ये। चलो वैल्यू डालते, पहले 1060 की वैल्यू बताओ, 1060 होता है आपका √3, बी सी कितना है? बी सी आपका x, ए बी कितना है? 20, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है 20√3। आप बताओ मेरे को कोई दिक्कत है इसमें? मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत थी इसमें, बी सी निकालना था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन और टफ बनाता हो गया, एरिया पूछ लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ए बी, ब्रेथ बी सी, ठीक है। तो ए बी अभी आपने 20 दे रखा है आपको, बी सी आपने अभी निकाला एक्स रूट एक्स की जगह, तो 20√3 जाता, 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी पूछे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है, ठीक है। बहुत ही मजेदार इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बड़ी, ठीक है। चाहे तो आप इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, एक बार दोबारा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने इसमें 1060 का कॉन्सेप्ट लगाया, एरिया अगर पूछता तो ऐसे पूछता, मैंने बस इतना बताया। और परपेंडिकुलर और बेस क्यों लिया? क्योंकि सामने वही था, एक परपेंडिकुलर की जरूरत थी, एक बेस की थी, रिलेशन कौन सा होता है? 10 वाला, ठीक है, 10 पी अपॉन बी, ये था आपका आंसर फाइनली।